दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा वनरक्षक भर्ती 2016 की कट ऑफ के बारे में कि वो कट ऑफ कितनी गई थी। उसमें दो भर्ती आई थी, वनरक्षक और विधान भवन रक्षक। वो कट ऑफ बताऊंगा कि रिटेन एग्जाम की कट ऑफ कितनी गई थी और फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी। उसी के आधार पे अब 2019 में जो भर्ती निकली थी वनरक्षक और वन्यजीव रक्षक, तो उसका एग्जाम जब अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, तो उसकी कट ऑफ कितनी जाएगी और आपको कितने क्वेश्चन करके आने हैं जिसमें आप सेफ रहेंगे, तो इस बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जो 2016 में भर्ती आई थी वो दो भर्तियां मिलकर के आई थी, एक वनरक्षक और दूसरा था विधान भवन रक्षक। तो ये दोनों भर्तियां सेम एक ही विज्ञापन के जरिए निकाली गई थी और इसकी भर्ती 2016 में आई थी, इसका एग्जाम भी 2 साल बाद हुआ था यानी 2018 में। तो फिर इसी आधार पे अब जो हमारी भर्ती आई है 2019 में वनरक्षक और वन्यजीव रक्षक, इसका एग्जाम भी अभी तकरीबन 2 साल हो गए हैं, तो इसका एग्जाम भी अब हाल फिलहाल में होने वाला है। तो बात करते हैं कि वनरक्षक भर्ती 2016 की कट ऑफ के बारे में। इसमें क्या था कि इसमें एक था रिटिन, पहला रिटिन उसके, और दूसरा था हमारा इंटरव्यू। रिटिन हमारा था 180 नंबर का, ठीक है, 180 नंबर का, जिसमें 180 ही क्वेश्चन थे और जो यहाँ से पास होता उसे इंटरव्यू में बैठना था, तो 20 नंबर का हमारा इंटरव्यू। तो टोटल जो मार्क्स थे वो थे हमारे 300, ठीक है, 300 पे ओवरऑल मेरिट बनी थी। अब बात करते हैं इसकी कट ऑफ के बारे में। इसका जो रिटिन हुआ था, रिटिन की कट ऑफ लगी थी जनरल की 117, ओबीसी की 117, एससी की 111, एसटी की 99, फीमेल की 109 और एक्स सर्विसमैन यानी भूतपूर्व जो सैनिक होते हैं उनकी लगी थी 73 पर, और स्वर्गीय सेनानी के आशीष जो सेना में होते हैं अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके जो लड़के या लड़की जो भी बच्चे होते हैं तो उन्हें वो इस आश्रित कोटे में आ जाते हैं, तो उनकी जो कट ऑफ लगी थी वो लगी थी 107 पे। तो ये जो कट ऑफ लगी थी, ये कट ऑफ लगी थी दोनों की, मतलब वनरक्षक और विधान भवन रक्षक दोनों की लगी थी, और ये लगी थी इंटरव्यू की कट ऑफ। तो इसके बाद हमें देना था इंटरव्यू, तो इंटरव्यू इसका हुआ था। इंटरव्यू इस भर्ती में मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, इसमें मेरा मतलब मेरा रिटिन भी क्वालिफाई हो गया था, इसके बाद मैं इंटरव्यू भी देकर के आया था। हालांकि मैंने फिजिकल अपना छोड़ दिया था क्योंकि उस समय मैं यूपी पुलिस की ट्रेनिंग कर रहा था मध्य प्रदेश में, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैंने अपना मतलब फिजिकल छोड़ दिया था। तो बात करें इसके इंटरव्यू, 20 नंबर का इसका इंटरव्यू था, और इसके बाद में हुआ था, इसके बाद इसका हुआ था फिजिकल। फिजिकल वही 25 किलोमीटर रेस थी। तो आप एक चीज़ ये देखना कि हमारा रिटिन हुआ, रिटिन के बाद इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद फिर हुआ फिजिकल। तो यहाँ क्या हुआ कि कट ऑफ में थोड़ा हेर फेर इसलिए हुआ कि रिटर्न करने के बाद में जब भर्तियां कुछ रुक गई थी तो सारी भर्तियां एक साथ, कुछ भर्तियां जो इससे अलग पुलिस की थी और भी भर्तियां थी वो एक साथ हुई, तो इससे पहले ज्वाइनिंग हो गई थी, तो कुछ बच्चों ने इंटरव्यू छोड़ दिया, मतलब कुछ जो लड़के लगे हुए थे कुछ ने इंटरव्यू छोड़ दिया, कुछ ने फिजिकल छोड़ दिया। जैसे मैंने अपना फिजिकल छोड़ दिया था इसी प्रकार से बहुत सारे लड़कों ने इंटरव्यू छोड़ दिया था, तो ज्वाइनिंग मतलब इसमें नहीं आए, तो इस वजह से इसकी कट ऑफ में हेर फेर ज़्यादा रहा। तो अब बात करें इसकी जो फाइनल कट ऑफ लगी, तो फाइनल कट ऑफ लगी 300 ओवरऑल 300 मार्क्स यानी रिटिन प्लस इंटरव्यू, ठीक है, यानी 180 और प्लस 20 नंबर। तो इसके आधार पे हमारी कट ऑफ बनी थी। तो वनरक्षक की जो कट ऑफ बनी थी वो बनी थी जनरल पे 132 नंबर, ठीक है, यानी इसमें जो कट ऑफ लगाई थी वो अंतिम कैंडिडेट के आधार पर लगाई थी कि लास्ट वाले कैंडिडेट के 132 नंबर थे जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन डाला है, तो 132 नंबर। इसके बाद में जो विधान भवन रक्षक था वो जनरल में उसकी कट ऑफ गई थी 166, ठीक है, ये हाई गई थी। इसके बाद में ओबीसी की वनरक्षक के लिए गई थी 123 और विधान भवन रक्षक के लिए गई थी 147, और एससी की गई थी वनरक्षक में 90, यहाँ देखो डाउन हो गई थी, यहाँ एससी की 111 थी, इसके बाद में यहाँ आ गई एससी की 90। इसकी वजह ये रही क्योंकि हमारा फिजिकल और कुछ इंटरव्यू कुछ यहाँ फेल हुए कुछ यहाँ फेल हुए, ठीक है, और उसके आधार पर कुछ लड़के कम थे एससी के और कुछ ने मतलब ये मतलब नौकरी कहीं और लग गई, तो इस वजह से हेरफेर रहा, तो यहाँ जो है इसकी कट ऑफ डाउन गई। उसके बाद में विधान भवन रक्षक में जो इनकी कट ऑफ रही 138 और एसटी की
वन रक्षक में रही 111, विधान भवन रक्षक में नील, ये कोई भर्ती नहीं, इनकी वैकेंसी नहीं थी एसटी की। इसके बाद में वन रक्षक फीमेल की, तो फीमेल में क्या था कि जो मतलब जो लड़कियां शेष बची थी, मतलब जो जिसके हाईएस्ट नंबर थे, तो 130 ऐसे मान के चलिए कि विधान भवन रक्षक में 130 की कटोप लगा करके भर लिया गया। उसके बाद जो शेष लड़कियां बची उन्हें वन रक्षक की जो शेष लड़कियां बची उनमें भर लिया गया कैटेगरी के अनुसार, मतलब सारी लड़कियों का चयन कर लिया गया। उसके बाद में एक्स सर्विसमैन की अगर बात करें तो एक्स सर्विसमैन की लगी थी वन रक्षक में 86 और विधान भवन रक्षक में जो कटोप लगी थी 115.15 गई थी, यानी 115 नंबर मान के चलिए। और आश्रित जो आश्रित थे मतलब मृतक आश्रित वाले, उनकी जो कट ऑफ वन रक्षक में लगी 124 और विधान भवन रक्षक में इनकी बढ़ती थी नील। ठीक है, इसके बाद में जो लड़के लड़कियां यहां पे सेलेक्ट हो गए उनका यहां एक मतलब बेसिक, मतलब यहां ज्वाइनिंग देने के बाद में बेसिक अपना मेडिकल करा करके और ज्वाइनिंग दे दी गई। तो ये था प्रोसेसिंग 2016 वाली भर्ती की कट ऑफ प्लस उसकी प्रोसेसिंग। तो इसमें जो भर्तियां आपकी आई हैं वन रक्षक और वन्यजीव रक्षक, यानी जो ये वन्यजीव रक्षक जो उसमें जीव जंतु होते हैं उनकी रक्षा के लिए जो लगाए जाएंगे वो वन्यजीव रक्षक, ये दो तरीके के होंगे। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे अनुमानित कट ऑफ, आपको करना क्या है। देखो पहली बात तो ये कि इसमें एक ही स्टेप है, इसमें इंटरव्यू खत्म कर दिया, पहली बात रिटेन का ही रहेगा। तो रिटेन में हमारे अब 180 नंबर ना करके या 180 क्वेश्चन ना करके अब सीधा सीधा 200 नंबर पे कर दिया गया है हमारा रिटेन। तो पहला होगा रिटेन और दूसरा होगा फिजिकल। तो रिटेन में जो बच्चे पास होंगे उसकी कट ऑफ लगेगी वो होगा फिजिकल। ठीक, तो आपको 200 क्वेश्चन आएंगे। मैं लड़कों के लिए बात बता रहा हूँ कि लड़कों में कि आप अपनी सेफ कैटेगरी मतलब अपना सिलेक्शन लाने के लिए आपको करना ये है कि 125 से नीचे नहीं रहना है, 125 प्लस जाना है। कोई भी कैटेगरी हो, आप एससी एसटी या ओबीसी, आप ये मत मानिए कि हम इस कैटेगरी के हमारा कम में हो जाएगा। आप सीधा सीधा ये मान के चलिए कि आपको 125 प्लस क्वेश्चन लेकर के आने हैं सेफ अगर सिलेक्शन चाहिए तो। अगर आप जनरल के हैं तो फिर आप थोड़ा और ज़्यादा कोशिश, 130 से ऊपर जाएंगे तभी आप बिल्कुल सेफ रह पाएंगे। बाकी ओबीसी एससी जो है 125 के आसपास अगर रहेंगे आप 125-30 तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, पेपर आएगा नॉर्मल। गर्ल की अगर बात करें आपको 115 क्वेश्चन कम से कम करके आने हैं और इससे ऊपर ही जाना है, इससे नीचे आने की कोशिश ना करें, प्रैक्टिस करें, अभी टाइम है। तो 115 आप अगर क्वेश्चन करेंगे मतलब आप क्वेश्चन करके आती हैं अगर लड़कियां तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। पिछली वाली भर्ती जो 2016 वाली हुई थी उसमें भी सारी लड़कियों को ले लिया गया जितनी भी लड़कियां पास हुई। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, परेशान मत होइए। अगर थोड़े बहुत नंबर भी आपके कम रहते हैं इससे तो आप अपने फिजिकल पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कुछ लड़कियों से फिजिकल भी नहीं लग पाया होगा, यही वजह रही कि जो लड़कियां बची सबको सिलेक्शन कर लिया गया उसमें ना। इस हिसाब से पढ़ाई स्टडी आप ऐसी करके चलिए कि जिससे आप अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल कर पाएँ, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल कर पाएंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। कंपटीशन ज़्यादा है, भर्तियाँ फिलहाल में मतलब काफ़ी भर्तियाँ रुकी हुई हैं, तो आपको जो है ये पेपर निकालना ही निकालना है। ठीक है, तो ये 2016 वाली कट ऑफ के बारे में बताया और 2020 की भर्ती के बारे में बताया। वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, जो घंटा होता है उसे भी दबा लेना जिससे आगे आने वाली जो भी मैं वीडियो बनाते रहता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।